हे गाइस, वेलकम टू एसएससी 24/7। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मेरा नाम है समीर सिंघल। सभी का स्वागत है हमारे चैनल एसएससी 24/7 पर। और गाइस, आज जैसा मैंने आपसे कल वादा किया था, 4 से 5 हम मिलेंगे और कंसेप्ट प्लस एमसीक्यू हमारा सेशन आज का रहेगा। और आज जो है सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इतिहास से संबंधित, और उसमें आएगा क्या आपका सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको हम कहते हैं। चलिए, तो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो वेटिंग में थे, अच्छा लगा ये देखकर। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ज्योग्राफी पढ़ाइए पहले। देखो, हम कोई यहाँ पर जो है ऐसे रेगुलर ये नहीं है कि हम एक ही पेस में हम चलेंगे कि पहले हिस्ट्री होगा या ये होगा। हम एक कंसेप्ट वाइज ऐसे टॉपिक्स को हम उठाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आपके ज्योग्राफी के सेशन भी उसमें रहेंगे, पॉलिटी के भी रहेंगे, हिस्ट्री के भी रहेंगे, और साथ साथ जो जनरल अवेयरनेस पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस वहां से बनते हैं, तो उन पर भी हम ध्यान देते रहेंगे, ठीक है। तो सभी का स्वागत है मेरे सेशन में गाइस। जल्दी से जल्दी जो है सेशन को सभी बच्चे शेयर करेंगे और लाइक करेंगे वीडियो को। चलिए शुरुआत करता हूँ। तो चलने से पहले आपको बता दूं कि हमारे अड्डा 24/7 पर 30% ऑफ है। आप कोई भी मटेरियल खरीदते हैं, चाहे वो महापैक है, चाहे वो आपका लाइव क्लास है, चाहे वो महापैक है, चाहे वो आपका लाइव क्लास है या फिर टेस्ट सीरीज है, ठीक है, ई बुक्स हैं, वीडियो कोर्स है, सब पर 30% ऑफ है। आपको कोड अप्लाई करना है क्या उसके लिए? Y203, ठीक है। कोड उसके लिए क्या अप्लाई करेंगे डिस्काउंट के लिए? Y203। चलिए शुरुआत करते हैं आगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम बात करने वाले हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि क्या इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं और कब से कब तक का इसका टाइम पीरियड हुआ करता था, ठीक है। तो इसी के द्वारा हम बात करते हुए चलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से। सबसे पहले ये आप देख लीजिए, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक मैप आपके सामने है, ठीक है। इसमें हमने दिखाया है कि कहाँ कहाँ पर जो है ये विभिन्न स्थल जो है वे पाए जाते थे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मोहनजोदाड़ो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये कोट दीजिए आपको दिख रहा होगा, ये कोट दीजिए आपका आज के समय पाकिस्तान में, ये देखिए ये सारा, ये मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में, फिर ये हड़प्पा आपका पाकिस्तान में पड़ता है, फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बनावली, ठीक है, बनावली यहाँ पर दिख रहा है, राखीगढ़ी दिख रहा है, ये हरियाणा में पड़ते हैं दोनों, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, ये चनौद्रो जो है ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है, अमीर बालाकोट ये राजस्थान में, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाइए तो बहुत इंपॉर्टेंट है लोथल, लोथल आपका कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन सी साइट्स इंपॉर्टेंट हैं और वे कहाँ पर पड़ती हैं। कई बार प्रश्न सिंपल उनसे ये उठ जाता है कि ये कहाँ पर है, जैसे सिंपल आपसे पूछ लेगा कि भाई मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि मोहनजोदाड़ो जो है वो हमारे पाकिस्तान के सिंध में पाया जाता है। इसी तरह से हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ पर मिलता है? हड़प्पा हमारा मिलता है ये मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट पंजाब, ठीक है, और कौन सा पंजाब? जो पाकिस्तान के पास पंजाब है वहां पर हमारा हड़प्पा सभ्यता मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये मैप वाइज आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या होता है। देखो, समय पर जब बात आती है तो काफ़ी किताबों में आपको समय जो है कुछ ऐसा मिलेगा, किसी में मिलेगा 2500 से 1600, ठीक है, और किसी में आपको मिलेगा 2550 से 1750, ठीक है, ऐसे तरह के टाइम आपको मिलेंगे। लेकिन आप ध्यान रखिए, कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो सही टाइम बताया जाता है NCERT या फिर और जो ऑथेंटिक किताबें हैं उसमें बताया जाता है 2350 से 1750। तो सिंधु घाटी सभ्यता 2350 से 1750 के समय में हुआ करती थी। उसके बाद ये जो 1750 से 1650 का समय था, 1600 का समय था, इसमें ये असल में कहा यह जाता है कि ये जो 150 साल का टाइम पीरियड था इसमें पता नहीं है कि हुआ क्या है, क्योंकि यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई और आर्यन सभ्यता यहाँ पर आई है, ठीक है। तो इस तरह से फिर बदलाव हुए, तो यहाँ पर वही बात आ जाती है गाइस, ठीक है ना। तो इसलिए आपको इसका टाइम पीरियड याद यहाँ पर रखना है। उसके बाद बात आ जाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसको वो क्या था, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता आप देख सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता एक दक्षिण एशियाई पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में पाई जाने वाली सभ्यता थी। और ये कैसी सभ्यता है? कांस्य युग। ये कौन से युग से संबंध रखती है? कांस्य युग से संबंध रखती है। अब मैं आपको तीन चीजें बहुत आसानी से बता देता हूँ, फटाफट से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले होता था स्टोन एज, ठीक है, सबसे पहले क्या होता था? स्टोन एज होता था। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा क्या आता था? दूसरे नंबर पर आता था हमारा ब्रॉन्ज एज, ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या आता था? ब्रॉन्ज एज आता था, और फिर आता था आयरन एज, ठीक है। इस तरह से हमारे इतिहास को तीन युगों में बांटा गया है, ठीक है, यहाँ पर तीन युगों में ये
बांटा गया है, इतिहासकारों ने इसको ऐसे बांटा है। तो स्टोन एज क्या होता था? स्टोन एज का सबसे बड़ा उदाहरण आपको पता होगा भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है, ये भीमबेटका की गुफाएं इसका उदाहरण हुआ करती थी। भीमबेटका जो होती थी गुफाएं हैं, मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, जहां पर आपको क्या मिलेगी, गुफाओं में चित्रकला आपको मिलेगी, यानी कि जो पूर्व पाषाण युग है उस समय की वो गुफाएं हैं, तो वहां पर उसकी चीजें आपको मिलती हैं। उसके बाद वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, बहुत सभी का स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग मेरे भाई, चलिए और सेशन को शेयर और लाइक करते रहिए, ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ। फिर ब्रॉन्ज एज की बात करते हैं, यानी कांस्य युग की बात करते हैं। कांस्य युग में क्या हुआ? कांस्य युग का सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता किसका उदाहरण है? हमारा कांस्य युग का। कांस्य युग में क्या हुआ था? उन्हें कांस्य और अन्य पदार्थ उन्हें मिले थे, लोहा चांदी, ठीक है, सॉरी लोहा नहीं मिला था, सोना चांदी, ठीक है, सोना चांदी, पीतल तांबा और कांस्य बनाना उन्हें आ गया था, ठीक है, लोहा नहीं मिला था, ये ध्यान रखना, लोहा इन्हें नहीं मिला था, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्रॉन्ज एज कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आई हमारी आयरन एज, जो आई किसके समय में बच्चों? आर्यंस के समय में, ठीक है, लोहा युग किसके समय में आया? आर्यंस इसको लेकर आए, आर्यंस के समय में ये आया और मौर्य वंश के बाद से फिर ये सारा आगे चलता रहा, तो इस तरह से बांटा गया। तो इसलिए यहां पर कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता से संबंधित है? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, यानी कांस्य युग से संबंधित है, ठीक है, यहां तक की बात आई होप सबको समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद बात करता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये सभ्यता के क्या मुख्य बिंदु हैं, क्या मुख्य बिंदु आपको ध्यान रखने होते हैं? तो बच्चों इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अभी थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चन पर जाएंगे, वहां पर आप देखोगे कि किस तरह के क्वेश्चन यहीं से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इस सभ्यता में क्या होता था, देखो ये एक तो ये अर्बन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग क्या होती है कि मतलब शहरों वाला निर्माण, जैसे आज के ये शहर होते हैं दिल्ली गुड़गांव वगैरह, इसी तरह का निर्माण जो है वहां पर पाया जाता था। एक होता है रूरल, एक होता है अर्बन, तो ये शहरों वाला निर्माण यहाँ पर मिलता था। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, नाली बनानी इनको आती थी, अपने घरों का गंदा पानी इनको निकालना आता था, तो नाली का यहाँ पर जिक्र किया गया है। भाई वाटर सप्लाई, जो सिंधु नदी होती थी उससे पानी को कैसे अपने इस्तेमाल के लिए लाना है, भाई पहले तो क्या करते थे, बाल्टी लेकर जाते थे वो भरकर लाते थे, लेकिन समय के साथ इन्हें ये समझ में आया कि वाटर सप्लाई सिस्टम कैसे बनाना है, उस नदी से पानी शहर तक कैसे आ जाए, ठीक है, तो इसको इन्होंने बनाया। और हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स में तो आपको पता ही होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ठीक है, जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है कांस्य की बनी नृत्यका की मूर्ति है, वो आप सबको पता है, वो मोहनजोदाड़ो में हमें मिली थी, ठीक है, मोहनजोदाड़ो से वो प्राप्त हुई थी, तो उसका काफ़ी ज़्यादा जिक्र आता है जब भी सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र आता है, तो इसीलिए हैंडीक्राफ्ट्स इनके बहुत फेमस हुए। और दूसरी बात है मेटलर्जी, मतलब कि इन्हें जो है धातु विज्ञान काफ़ी ज़्यादा था, धातु विज्ञान था, कॉपर का, ब्रॉन्ज का, लेड का, टीन का, तो इन सब का धातु विज्ञान इन्हें था, लेकिन याद रखिएगा लोहे का ज्ञान नहीं था, ठीक है, लोहे के बारे में इन्हें ज्ञान नहीं था, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही दानिश, ग्रिड सिस्टम, उसको क्या कहते थे? ग्रिड सिस्टम कहते थे, अभी आगे आपको फोटो में दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है एक काल्पनिक चित्र है, ठीक है, ये काल्पनिक चित्र है कि किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने शहरों का निर्माण करते थे। ये जो है एक ऐसा दिखाया है कि ये एक तट है, ठीक है, ये एक पोर्ट इन्होंने दिखाया, ये देखिए यहाँ पर जो है आपको, सॉरी एक सेकेंड रुकिए, हाँ यहाँ पर देखिए आपको क्या है, यहाँ पर आपको ये नदी दिख रही है, नदी का एक छोर इन्होंने जो है बांटा है और उसको लेकर आए हैं अंदर तट तक, ठीक है, ये तट इन्होंने बनाया है जहाँ पर ये अपने शिप्स को जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते समय उसको लादते और ले जाते हैं, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ये देखिए यहाँ पर स्टोरेज हाउस इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है, और पीछे चले जाओगे अंदर की तरफ चले जाओगे तो अंदर शहर पूरा इसी तरह से आपको ये पूरा ये जो देखो ग्रिड सिस्टम इसी को कहते हैं, ये ग्रिड सिस्टम कहलाता है कि एक रेक्टेंगुलर फेस में जो घरों के जो निर्माण होते हैं वो बिल्कुल सीध में होते हैं, तो उसको ग्रिड सिस्टम, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर। इसके बाद आगे बात आ जाती है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है, इसको हड़प्पा की सभ्यता कहा जाता है, कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है हड़प्पा की सभ्यता या सिंधु घाटी, तो भैया इसको हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि हड़प्पा की सभ्यता जो है इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सबसे पहला स्थल था जिसकी खोज हुई थी, ठीक है, कोई बता सकता है कमेंट में लिखकर बताइए कि किसने जो है हड़प्पा की खोज करी थी, मुझे कमेंट में जल्दी से इसका आंसर लिखकर बताइएगा, ठीक है।
जी पीके जाट, वेरी वेलकम टू द सेशन, सभी का स्वागत है भाई सेशन में। सभी बच्चे सेशन को शेयर और लाइक करेंगे, ठीक है। देखो बहुत कम शेयर करते हो तुम, जल्दी से शेयर करो। इसके बाद आगे बात आ जाती है, तो आपको पता है कि हड़प्पा की सभ्यता है, इसकी खोज हुई थी हमारे पंजाब प्रोविंस में, ठीक है। मैंने आपको बताया मोंटोगोमरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, उस जगह का नाम क्या था, मोंटोगोमरी डिस्ट्रिक्ट उस जगह का नाम था जहां पर इसकी खोज हुई थी, ठीक है, पंजाब में उस समय के ब्रिटिश इंडिया के समय में, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें 5 अर्बन साइट्स हैं, बहुत ही 5 जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे से। वो है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ठीक है, धोलावीरा, राखीगढ़ी और गनेरवाल, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा और राखीगढ़ी, ठीक है। तो इन सब के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए वो हम आगे देखते हैं। उससे पहले, आगे चलने से पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो सिंधु घाटी, अब देखो सभ्यता किसको कहते हैं, सभ्यता उसको कहते हैं कि जहाँ पर कुछ लोग एक समूह में रहते हैं, आपस में बातचीत करने का उन्होंने कोई तरीका बनाया है, ठीक है, और उनमें जो उन्हें जो है थोड़ा खेती बाड़ी करना, ठीक है, तहजीब से रहना, वो सब आता है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि ये लोगों की जो थी एक लैंग्वेज भी हुआ करती थी, लेकिन इन लोगों की लैंग्वेज जो है वो आज तक अनडेसिफर्ड है। अनडेसिफर्ड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, अनडेसिफर्ड का मतलब होता है कि उस लैंग्वेज को अब तक तोड़ा नहीं जा चुका है, कि मतलब उसे पढ़ा नहीं गया, कोई उसे पढ़ ही नहीं पाया कि वो कह क्या रही है। तो उसका नाम क्या है ये ध्यान रखिएगा, उसको हम कहते हैं बॉस्ट्रोफिडॉन, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाषा थी उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बॉस्ट्रोफिडॉन। इसमें होता क्या है, देखो ध्यान से सुनना, इनमें पहले जो लिखते हैं, पहली पंक्ति ऐसे चलती है, पहली लाइन ऐसे चलती है, ठीक है, बाएं से दाएं, फिर अगली पंक्ति में दाएं से बाएं लिखा जाता है, और इसमें चित्र भी पाए जाते हैं और कुछ शब्द भी पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि इसको आज तक तोड़ा नहीं जा चुका, तो इसका नाम क्या रखा गया है, बॉस्ट्रोफिडॉन। उसके बाद अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो नाम है जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। आपसे अक्सर पूछा जाएगा कि हड़प्पा, ठीक है, एक तो है हड़प्पा और उसके साथ साथ एक है हमारा मोहनजोदाड़ो, ठीक है, दूसरा क्या है, मोहनजोदाड़ो है। तो इन दोनों के लिए, ठीक है, इन दोनों की खोज में सबसे अहम भूमिका किसने निभाई, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो मेरे भाई याद रखिएगा, इन दोनों की खोज में सबसे अहम भूमिका निभाई थी जॉन मार्शल ने, जो 1924 के समय में क्या हुआ करते थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे। चलिए मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, ठीक है, इसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, जरा मुझे कमेंट में सभी बच्चे लिखकर बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, दानिश लोथल भी होता है। देखो हम सभी जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। बहुत बढ़िया, सभी ने यहाँ पर आंसर दिया, मैं आप सबका आंसर पढ़ रहा हूँ। दयाराम सहानी, बिल्कुल सही, दयाराम सहानी आप सब ने बताया, हड़प्पा की खोज दयाराम सहानी ने करी थी, जया मिश्रा ने बताया, ठीक है, और बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, जया मिश्रा ने ये भी बताया, ठीक है, चलिए ओके। धर्मेंद्र का आंसर आया, शशांक का आंसर आया, मनदीप का, सगारी का, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है। दयाराम सहानी ने इसकी खोज करी थी, हड़प्पा की खोज करी थी 1921 में, ठीक है, 1921 में इसकी खोज की थी। राखल दास बैनर्जी ने 1922 में किसकी करी थी, मोहनजोदाड़ो, जो सिंध में पाया गया। और दोनों ही खोज में सबसे अहम भूमिका किसकी थी, सबसे अहम भूमिका आपको यहाँ पर दिख रही है, नाम क्या है, जॉन मार्शल ने दोनों में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। अब आगे कुछ जल्दी से हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहला, भाई ये जो लोग थे ये अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे चलाते थे, क्या उस समय प्रणाली चलती थी, क्या प्रोसीजर चलाते थे, तो भाइयों ये चलाते थे बार्टर सिस्टम, भाई एक हाथ दे और एक हाथ ले, ठीक है, आपके पास दाल है, मेरे पास चावल है, लेकिन मेरा चावल सब्जी से खाने का मन है तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, मैं किसी और को ढूंढूंगा जिसके पास सब्जी होगी, ठीक है, इसको ऐसे समझ लो। तो इसलिए ये जो सिस्टम था ये बेकार था, ठीक है, क्योंकि आपको कई बार किसी चीज की जरूरत होती थी लेकिन आपके पास जो चीज है उसके बदले वो चीज मिल नहीं पाती थी क्योंकि सामने वाले को उस चीज की जरूरत नहीं होती थी, ठीक है, समझे बात। तो ये होता था बच्चों बार्टर सिस्टम इसलिए वहां पर फेल हो जाता था, ठीक है। लोकल नेम ऑफ मोहन जोदाड़ो साजल जो कहते हैं वो कहते हैं मृतकों का टीला, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। दानिश सैफी अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी आंसर दे रहे हो यहाँ पर बच्चे, अलेक्जेंडर कनिंगम उनका आंसर था, बिल्कुल सही। 1837 के समय में ASI की शुरुआत हुई थी और वे सबसे पहले क्या बने थे, सबसे पहले उसके डायरेक्टर जनरल बने थे, ठीक है। चलिए
आगे बात करते हैं। इसके बाद देखो बात आ जाती है कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो हड़प्पा की ये सभ्यता थी या सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये मुख्य तौर पर क्या काम करती थी? तो देखो ये दो काम करती थी, एक था खेती बाड़ी और दूसरा था जानवरों का पालन पोषण। ठीक है, जानवरों का पालन पोषण ये करते थे, ये इनका मुख्य कार्य हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद बात आ जाती है कि हड़प्पा जो था इसको ये बहुत ही ज़्यादा जो है प्रभावित थे किस चीज़ में, किस चीज़ को बनाने में, ब्रॉन्ज की चीज़ें बनाने में। ठीक है, कांस्य का इस्तेमाल इन्हें करना बहुत आसानी से आ गया था। ठीक है, और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि इन्हें कांस्य बनाना आता था, क्योंकि कांस्य जो होता है वो किससे बन, वो एक एलॉय होता है, एक मिश्रित धातु होता है। तो आप मुझे ज़रा कमेंट में लिखकर बताइए कि ब्रॉन्ज यानी कांस्य कौन से दो मिश्रित धातु को मिलाकर बनता है, जरा आपकी आज जनरल नॉलेज चेक करता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पर एक और पॉइंट बताता है कि उस समय में कोई मंदिर नहीं हुआ करते थे, ये लोग मंदिरों में पूजा नहीं करते थे, ये लोग अपने विश्वास रखते थे। तो वो विश्वास किस चीज़ में रखते थे, तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये है पशुपति महादेव का एक चित्र है। ठीक है, ये जो है क्या है, ये एक असल में एक मोहर है, एक सील है जो उस समय में बनाई जाती थी, और उस मोहर में आपको क्या दिख रहे हैं, ये यहाँ पर जो है ये पशुपति महादेव हैं, इनके सिर पर ये तीन सींगों वाला जो है क्राउन इनके सिर पर है, और इनके चारों तरफ जानवर हैं। और अभी आपको बता देता हूँ, CHSL का प्रश्न था, क्या प्रश्न था, वो पूछा था कि पशुपति महादेव की जो सील है, जो मोहर है, उसमें कौन सा जानवर नहीं पाया जाता। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सभी जानवर कौन कौन से हैं, देखो ये है टाइगर, ठीक है, ये आपको टाइगर यहाँ पर दिख रहा है, ये टाइगर है, उसके बाद ये एलिफेंट दिख रहा होगा, ये हाथी है, ये एलिफेंट हो गया, उसके बाद ये वाला जानवर, ये कौन सा है, राइनो, ठीक है, ये कौन है, राइनो है, यानी कि गैंडा है। ठीक है ना, बिल्कुल सही, टिन और कॉपर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर सभी बच्चों का, टिन और कॉपर को मिलाकर बनता था कांस्य। ठीक है, चलिए, पूजा वग कुछ जगहों पर नहीं है, बाकी जगहों पर तो मैंने हिंदी में रखा है, तो उसकी चिंता मत कीजिए, बाकी PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, PDF आपको जो है पूरे लेक्चर के बाद कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, तो एक राइनो है, यहाँ पर गैंडा है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक बुल है। ठीक है, ये क्या है, एक भैंसा है, बुल है। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर नीचे इनके पैरों में कौन है, ये दो हिरण पाए जाते हैं। तो यह क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि कौन सा जानवर पशुपति महादेव के चित्र में नहीं पाया जाता। वहां पर ऑप्शन था बच्चों किसका, ऊंट का ऑप्शन था। तो याद रखिएगा, हाथी पाया जाता है, टाइगर पाया जाता है, गैंडा पाया जाता है, बुल पाया जाता है, और यहाँ पर हिरण भी पाए जाते हैं जो इनके चरणों में बैठे हैं। ठीक है, और पशुपति महादेव का मंदिर कहाँ पर आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा काठमांडू नेपाल में। ठीक है, चलिए अब ये आप देख लीजिए आगे फटाफट से। विवेक यादव, इसका PDF आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगा लेक्चर के बाद, लेक्चर के थोड़ी देर बाद आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सजल, जिराफ भी नहीं है, अगर जिराफ क्वेश्चन आता है तो जिराफ भी उस समय नहीं हुआ करता था, बिल्कुल सही बता रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आगे देखिए, अब ये देखिए आपके सामने क्या है, ये सभी के सभी मुख्य स्थल हैं। ठीक है, मुख्य स्थल का एक टेबुलर फॉर्म है, तो इसमें हम जल्दी से देख लेते हैं कि कहाँ पर किसने कौन सी जगह की खोज करी और वो कहाँ पर पाया जाता है। तो सबसे पहले आप देखोगे, सबसे पहले हड़प्पा है, हड़प्पा कहाँ पर पाया जाता है, हड़प्पा की खोज किसने करी, दयाराम सहानी ने करी 1921 में। ये पाया गया कौन सी नदी के किनारे, नदी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हड़प्पा की नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी के किनारे, क्यों, क्योंकि जैसे ही बच्चे को ये पता चलता है ना हड़प्पा, तो कहता है सिंधु घाटी, सिंधु नदी। लेकिन याद रखो, हड़प्पा जो मिला था, हड़प्पा रावी नदी के किनारे मिला था, मॉन्टगोमरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मॉन्टगोमरी डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब पाकिस्तान। ठीक है, ये मिला था 1921 में। अब यहाँ पर बात आ जाती है, यहाँ पर क्या क्या पाया गया, तो देखो यहाँ पर सैंडस्टोन स्टैचू ऑफ ह्यूमन एंटोमी, ठीक है, यानी कि मानव के पुतले यहाँ पर पाए गए। उसके बाद बुलक कार्ट्स जो है, मतलब कि खिलौने, असल में ये जो थे ना खिलौने हुआ करते थे, ये खिलौने यहाँ पर पाए गए, कि वहाँ पर जो है एक टेराकोटा मिट्टी होती थी, तो टेराकोटा मिट्टी के बने खिलौने, जिसको बुलक कार्ट्स के फॉर्म में बनाया गया था। उसके साथ साथ ग्रेनरीज क्या होता है, ग्रेनरीज होता है जहाँ पर आप क्या रखते हो, जहाँ पर आप अपने जो है खाने पीने के जो हार्वेस्ट होते हैं, जो फसल कटती है उसको रखते हो, तो ग्रेनरीज। ठीक है, तो ग्रेट ग्रेनरीज कहाँ पर पाई गई थी, ये सब पाई गई थी हड़प्पा में। उसके बाद अगला आ जाता है बच्चों क्या, मोहनजोदाड़ो, जिस
जिसको हम माउंड ऑफ डेड कहते हैं, यानी मृतकों का टीला कहते हैं। और ये जो है राखल दास बैनर्जी ने इसकी खोज करी थी, कब करी थी, 1922 में, ठीक है, 1922 में सिंधु नदी के किनारे लरकाना डिस्ट्रिक्ट पंजाब, ठीक है, कहाँ पर ये मिला, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में मिला, पंजाब में। इसमें क्या क्या पाया गया, सबसे पहले ग्रेट बात, ठीक है, यहाँ पर देखो ये ग्रेट बात बता रहा है, ग्रेट बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन इसका पूछा गया है कि बड़ा स्नान ग्रह, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बड़ा स्नान ग्रह कहाँ पर पाया गया, तो बड़ा स्नान ग्रह बच्चों कहाँ पर आपको मिला है, ये मिलता है हमारा मोहनजोदाड़ो में। उसके बाद ग्रेनरी, यहाँ पर भी ग्रेनरी पाई गई। फिर बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, इसके बारे में अभी आपसे बात कर रहा था मैं, ठीक है, कांस्य की बनी नृत्यका की मूर्ति, कांस्य की बनी नृत्यका की मूर्ति कहाँ पर मिली, ये हमें मिली है, ये हमें कहाँ पर मिली है, ये हमें मिली है मोहनजोदाड़ो में, ठीक है, ये हमें मोहनजोदाड़ो में मिली है। उसके बाद पशुपति महादेव की जो चिन्ह है वो हमें कहाँ पर मिले, मोहनजोदाड़ो में। उसके बाद स्टेटाइट स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन, ठीक है, यानी एक पुतला मिला है, ठीक है, जो स्टेटाइट मिट्टी का बना है और उसको क्या है, उसकी दाढ़ी है, ठीक है, तो वो हमें कहाँ से मिला है, वो भी हमें मोहनजोदाड़ो से मिला है। यानी हमें क्या पता चला कि वहां पर जो लोग थे उस समय भी दाढ़ी रखा करते थे, ठीक है, आज के लड़कों की तरह। उसके बाद बच्चों और क्या पता चलता है कि वहां से बुने हुए कपड़े के अवशेष, ठीक है, वुवन क्लॉथ, ठीक है, वुवन क्लॉथ का मतलब क्या हुआ, बुना हुआ कपड़ा, बुना हुआ कपड़ा मतलब उन लोगों को कपड़े को बुनना आता था, ठीक है, तो ये बात यहां से पता चलती है। उसके बाद अगला देखिए, अगला आपके सामने है, अगला है चनोद्रो, ठीक है, चनोद्रो आपके सामने है, थोड़ा सा ये ऊपर हो गया। चनोद्रो जो है इसकी खोज किसने करी थी, इसकी खोज करी थी एनजी मजूमदार ने, 1931 में इसकी खोज हुई और सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, ये सिंधु नदी के किनारे मिला था। ये आपको याद क्या रखना है, केवल कि किसने खोज करी, जहां मैं आपको केवल कहूं कि केवल यही याद रखना, बस उतना ही याद रखना। तो चनोद्रो में आपको क्या ध्यान रखना है कि एक तो ये कहां पर मिला, सिंध में मिला, और दूसरा इसकी खोज किसने करी, एनजी मजूमदार, ठीक है, एनजी मजूमदार ने इसकी खोज करी। उसके बाद अमरी, अमरी जो है ये आपको कहां पर मिलता है, ये भी सिंधु नदी के किनारे मिलता है और इसकी खोज भी किसने करी, एनजी मजूमदार ने। उसके बाद कालीबंगा इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा इंपॉर्टेंट है बच्चों, कालीबंगा याद रखो, कालीबंगा जो है घोष, ठीक है, घोष ने 1953 में इसकी खोज करी, घोष ने, और ये जो है कहां पर मिलता है, ये हमें मिलता है घाग्गर, घाग्गर नदी के किनारे। और अगर इसकी बात करें कालीबंगा की तो आज के समय हरियाणा, ठीक है, आज के समय ये कहां पर मिलेगा हमें, हरियाणा के फतेहबाद, ठीक है, हरियाणा के फतेहबाद में हमें कालीबंगा मिलेगा, पहले हिसार में आता था, अब फतेहबाद उससे अलग हो गया, तो अब ये फतेहबाद में हमें मिलता है। उसके बाद फायर अल्टार, ठीक है, फायर अल्टार मतलब कि यहाँ पर जो है हमें फायर अल्टार का मतलब क्या होता है, फायर अल्टार का मतलब होता है दिए, ठीक है। उसके साथ साथ कैमल बोन्स यहाँ पर मिलती है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट काली चूड़ियाँ, ब्लैक बैंगल्स, ठीक है, क्या मिलती हैं, काली चूड़ियाँ मिलती हैं, ब्लैक बैंगल्स मिलती हैं, इनको जरूर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। काली चूड़ियाँ कहाँ पर मिली, कालीबंगा, राजस्थान, कालीबंगा में मिली, और इसीलिए जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हमारा इसको क्या कहा जाता है, कालीबंगा कहा जाता है। और सॉरी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बता दिया आपको, ये जो है कालीबंगा राजस्थान में है, सॉरी फॉर दैट, मैंने हरियाणा बोला, वो मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में ये पाया जाता है हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, हनुमानगढ़ में पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, हनुमानगढ़ में, राजस्थान में, और यहाँ पर काली चूड़ियाँ मिली थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल वंदना मिश्रा, मैंने वो बिल्कुल सही कर दिया, राजस्थान है, राजस्थान में पाया जाता है। हाँ विवेक यादव, देखो ये क्लास जो है 4 से 5, ठीक है, 4 से 5 में ये पाया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं लोथल, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो क्या है, इसकी खोज करी थी राव ने, ठीक है, एस आर राव, इनका पूरा नाम क्या था, एस आर राव ने इसकी खोज की थी। उसके बाद भोगवा नदी, कौन सी नदी के किनारे, ये अक्सर पूछा जाता है, भोगवा नदी के किनारे और गुजरात में ये पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखने हैं, दो ये ध्यान रखने हैं, एक तो चावल के अवशेष हमें सबसे पहली बार यहीं पर मिले थे, और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें तट मिला, ठीक है, क्या मिला हमें, तट यहाँ पर मिला, ठीक है, मानव निर्मित तट यहाँ पर हमें मिलता है, कहाँ पर, लोथल में। लोथल इसीलिए फेमस है कि वहाँ पर हमें मानव निर्मित तट मिलता है, और दूसरा वहाँ पर क्या मिला था बच्चों, चावल के अवशेष हमें वहाँ से मिले थे, ठीक है। तो इन दोनों बातों का आप ध्यान रखिएगा।
इसके बाद आगे आ जाते हैं कुछ और, तो इसमें आपको जो याद रखना है वो इंपॉर्टेंट कौन सा है, बनावली, ठीक है, बनावली आपको ध्यान रखना है। मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, वो पहले मैं हरियाणा में बता गया, सॉरी फॉर दैट। बनावली जो है ये आपका जो है ये आपका हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में ये पाया जाता है। आर एस बिस्ट ने इसकी खोज करी थी 1974 में, लेकिन अभी ये आपका फतेहबाद, ठीक है, अभी ये आपका कहाँ पर पाया जाता है, फतेहबाद में ये पाया जाता है, ठीक है, अभी फतेहबाद में मिलता है। उसके बाद यहाँ पर जो है क्या मिला है, यहाँ पर देखो बीड्स, बीड्स यानी मोती, ठीक है, यहाँ पर मोतियों की जो है वो मिले हैं, अवशेष मिले हैं, ठीक है। बाड़ले, बाड़ले यानी जवार, ठीक है, तो जौ, जौ यहाँ से आपको मिली है, जौ की जो खेती होती थी वो यहाँ पर हुआ करती थी। और ये जो है प्री हड़प्पा, प्री हड़प्पा यानी कि हड़प्पा से पहले की सभ्यता, इसको बताया जाता है, पदावली को बताया जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल दानिश रंगपुर में भी मिली थी, लेकिन ज्यादातर ऑप्शन जो आपका रहेगा वो लोथल रहेगा मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए, तो जितने बच्चे हैं अभी सभी के सभी सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए, उसके तो इतने आपको याद रखने हैं, ये सभी नाम आपके सामने हैं जितने मैंने आपको बताए हैं, जितनों पर मैंने टिक किया है उनको तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है, उन पर अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे चलने से पहले एक आधा और बता देता हूँ, एक जैसे एक पाया जाता है आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर जो है ये पाया जाता है कहाँ पर, ये पाया जाता है आपका मेरठ में, ठीक है, मेरठ गाजियाबाद में ये पाया जाता है। और ये कौन सी नदी के किनारे हुआ करता था, हिंडन नदी के किनारे, ठीक है, कौन सी नदी के किनारे होता था, हिंडन। इसी तरह एक होता है रोपड़, ठीक है, एक होता है रोपड़, रोपड़ मिला था कौन सी नदी के किनारे, सतलज के किनारे ये हमें मिला था, ठीक है। तो इतनी बातें आप सबको बच्चों ध्यान रखनी है किसके बारे में, सभ्य इसके स्थलों के बारे में। अच्छा, आगे चलने से पहले एक और चीज आपको बता देता हूं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे इनको क्या कहा जाता था, द्राविड़ कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या कहा जाता था, द्राविड़ कहा जाता था। दूसरी बात यह है कि ये जो द्राविड़ लोग थे, ठीक है, आज के समय आपको द्राविड़ लोग कहां पर मिलेंगे बच्चों, द्राविड़ लोग आपको मिलेंगे दक्षिण में। आप कभी कर्नाटक जाइए, नीचे तमिलनाडु केरल में जाइए, आंध्र प्रदेश जाइए, वहां पर आपको कौन मिलेंगे, द्राविड़ मिलेंगे। तो द्राविड़ जो सभ्यता थी इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब आर्यन सभ्यता भारत आई तो आर्यन के आने के बाद द्राविड़ सभ्यता वहां से पलायन कर गई, ठीक है। उसके दो कारण बताए जाते हैं, एक तो ये था कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी इनके ऊपर बाढ़ का बड़ा प्रकोप था, भाई हर समय हर कुछ साल में बाढ़ आ जाती थी और इन्हें नए सिरे से पूरा का पूरा शहर का निर्माण करना पड़ता था। दूसरा कारण था आर्यन लोगों का आक्रमण। जो दूसरा कारण इतिहासकार मानते हैं वो है आर्य लोगों का आक्रमण, कि आर्य लोगों ने द्राविड़ों पर हमला किया, क्योंकि आर्य लोग आपको पता है कहां से आए थे, जरा कमेंट में लिखकर बताइए कि मैक्स मूलर का इस बारे में क्या कहना है, कि मैक्स मूलर के हिसाब से आर्य लोग कहां से आए थे, जरा एक बार मुझे कमेंट में लिखकर बताइए जल्दी से, ठीक है। चलिए इससे आगे बात करता हूं, द्राविड़ जो है एक लोगों एक सभ्यता का नाम है बच्चे, ठीक है, द्राविड़ एक सभ्यता का नाम है, तो इसलिए उनको जो है ये कहा जाता था, ओके। हाँ, सगारिका आप कह सकते हो, द्राविड़ जो है एक ट्राइब नहीं है, ये एक पर्टिकुलर जनजाति थी जो आज के समय आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, और आज के समय ये कहाँ होता है, ये होता है दक्षिण भारत में, ठीक है, ये दक्षिण भारत में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक की बात आई थी, होप सबको समझ में आई होगी। अब हम जो है जल्दी से क्वेश्चंस पर चलते हैं, ठीक है, और आप सबका क्या काम है, आप सबका काम है कि आप सेशन को शेयर और लाइक करते रहेंगे और क्वेश्चन का आंसर मुझे देते रहिए। क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे पहले मुझे बताइए कि हड़प्पा की सभ्यता की खोज जो हुई थी वो कब हुई थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहली बार कब हुई थी, जल्दी से जरा कमेंट में इसका आंसर मुझे लिखकर बता दीजिए। बहुत बढ़िया आंसर यहाँ पर बच्चों का आ रहा है, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगर आपको इतना पता है तो मतलब आप बहुत बड़े, मतलब अच्छी खासी आपकी नॉलेज है, इतना मैं कह सकता हूँ, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, दानिश का आंसर सबसे पहले आया था, मध्य एशिया इन्होंने बताया था, ठीक है। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसका नाम मैं जरूर लूंगा, ठीक है, चाहे ऊपर जाकर एक बार देखना पड़े। हाँ, बिल्कुल सही, अब भी जो है बच्चे आंसर दे रहे हैं यहाँ पर, ओके। और बिल्कुल, रवि सैनी का कहना है कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये आर्य कहाँ से आए थे, आर्कटिक से आए थे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बताया ये भी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, जया मिश्रा का आंसर आया है सबसे पहले, जया मिश्रा ने आंसर दिया है बी ऑप्शन। देखो, जो बच्चा सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम जरूर लिया जाएगा, ठीक है। चलो, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया, 1921 में हड़प्पा की सभ्यता की खोज हुई थी, किसने करी थी, सभी बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हो, दयाराम सहानी, ठीक है, किसने करी थी, दयाराम सहानी ने सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा की खोज 1921 में सबसे पहले की थी, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ की बात हुई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, हमने अभी डिस्कस किए हैं ऐसा, देखो जितने क्वेश्चन आगे आएंगे सभी के सभी डिस्कस करे हुए क्वेश्चन आएंगे, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन है लोथल जो एक स्थल है, ठीक है, इस सभ्यता की खोज, इस लोथल स्थल की खोज जो है हुई थी, तो इसमें जो है एक क्या पाया गया था, एक बंदरगाह पाया गया था। तो कहा जाता है कि जो बंदरगाह है वहां से किस के साथ जो है व्यापार के लिए इसको इस्तेमाल में लाया जाता था, ठीक है, जो लोथल पे जो बंदरगाह है उस बंदरगाह का इस्तेमाल किस सभ्यता के साथ व्यापार के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। सॉरी मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करना भूल गया, इसलिए मैं आपको ये पूरा पढ़ के बता रहा हूँ, तो जल्दी से मुझे बता दीजिए। लोथल इज अ साइट वेयर डॉकयार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वर फाउंड, बिल्कुल सही आप सब बता रहे हो, उसका सही आंसर है ए ऑप्शन, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। और अगर पूछा जाए कि ये लोग किसके साथ अपना ज्यादातर व्यापार करते थे, तो आपको याद रखना है मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया यानी आज का आपका इराक, ठीक है, आज का आपका इराक। तो मेसोपोटामिया के साथ इनके जो है बहुत अच्छे संबंध होते थे, वहां पर बहुत ज्यादा ये व्यापार किया करते थे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संध्या कश्यप, आई थिंक ज्ञान सर की क्लास जो है वो शाम को है, एक बार आप शेड्यूल चेक कर लीजिएगा क्लास के खत्म होने के बाद, ठीक है, नीचे आपको अपकमिंग क्लासेस में दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, द इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विद द, ठीक है, मैंने जो अभी आपसे बात करी थी बिल्कुल पिछले ही क्वेश्चन में, वो मैंने क्या बात करी थी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे उनका एक स्थल था लोथल जहां पर उनका बंदरगाह था, और वे किसके साथ व्यापार करते थे। तो अगला क्वेश्चन देखो वही है, क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके साथ व्यापार करते थे। सॉरी ये वाला क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन जो है ये इंग्लिश, ये दो क्वेश्चन इंग्लिश में रह गए, सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके साथ व्यापार करते थे, तो जल्दी मुझे इसका आंसर बता दीजिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, चाइनीज हैं, मेसोपोटामिया हैं, ओके, बहुत बढ़िया आंसर बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन सभी बच्चे बता रहे हो और बिल्कुल सही, मेसोपोटामिया, ठीक है। तो एसके मंडल, एसके मंडल का आंसर सबसे पहले यहां पर आया है और मेसोपोटामिया इन्होंने जवाब दिया है, और बिल्कुल सही बता रहे हो, मैंने अभी आपसे बात करी थी मेसोपोटामिया के साथ ये व्यापार क्या करते थे। अगला क्वेश्चन जल्दी से, द लोकल नेम मोहन जोदाड़ो इज, ठीक है, जो मोहन जोदाड़ो है उसका स्थानीय नाम क्या है, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए। अभी मैंने थोड़ी ही देर पहले, एक बच्चा था उसने ये क्वेश्चन पूछा भी था कि स्थानीय नाम क्या था मोहन जोदाड़ो का, तो वही क्वेश्चन देखो आपके सामने है। तो मोहन जोदाड़ो का स्थानीय नाम मुझे एक बार बता दीजिए कि इसका स्थानीय नाम क्या हुआ करता था, बिल्कुल जल्दी बताइए, मैंने आपके साथ अभी बात करी थी। असल में देखो ये जो मोहन जोदाड़ो है ना, ये एक और चीज ध्यान रखना, मोहन जोदाड़ो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की लार्जेस्ट साइट भी कहलाती है। आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल था हमारा मोहन जोदाड़ो, ठीक है, और बिल्कुल सही आप सब आंसर दे रहे हो, यहाँ पर सी ऑप्शन बता रहे हो, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है। हाँ गौरव, मैंने वही बताया कि एक दो क्वेश्चन रह गए थे, सॉरी, तो बिल्कुल इसका आंसर जो है सी होगा, और मुसरत बट ने इसका आंसर बताया है, सगारिका ने इसका आंसर बताया, बिल्कुल सही, माउंड ऑफ डेड, ठीक है, माउंड ऑफ डेड यानी मृतकों का टीला, इसको क्या कहा करते थे, मृतकों का टीला कहते हैं, ये असल में एक सिंधी शब्द है, ठीक है, ये एक सिंधी शब्द है मोहन जोदाड़ो, तो उसका मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला। असल में यहां से बड़े पैमाने पर जो है क्या मिली थी, कब्र मिली थी, और काफी सारे मृतकों के शरीर वहां से मिले थे, अवशेष मिले थे, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी से, बहुत अच्छे से इसका आंसर देंगे सभी बच्चे, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो सभी, और सेशन को एक बार शेयर और लाइक कर दो भाई, ठीक है, जितने बच्चे नए मेरे साथ जुड़े हैं सेशन को शेयर करो लाइक करो, और जो बच्चा बिल्कुल नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, क्वेश्चन आपके सामने है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेशलाइज्ड इन, ठीक है, इसके बारे में आपसे मैंने सबसे शुरुआत में बात करी थी, अगर आपको याद हो, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषज्ञता क्या है, ठीक है, इनकी विशेषज्ञता क्या है, तो जल्दी मुझे इसका आंसर दे दीजिए। क्या ये शहर बनाने में माहिर थे, क्या ये वस्तुकला में माहिर थे, क्या ये शिल्प कौशल में माहिर थे, या फिर सभी में माहिर थे, ठीक है, तो जल्दी मुझे इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, सगारिका का आंसर सबसे पहले आया है, सगारिका का आंसर आया है, सौबिन, जया और धर्मराज, आपका आंसर गलत है भाई, आप सबने बताया टाउन प्लानिंग, भाई टाउन प्लानिंग चलो ठीक है आपने कहा टाउन प्लानिंग, लेकिन भाई आर्किटेक्चर में भी तो इंपॉर्टेंट थे, क्राफ्ट्समैनशिप में भी तो इंपॉर्टेंट थे, अभी हमने बात करी थी क्राफ्ट्समैनशिप में ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल इन्होंने बनाई थी, ठीक है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। आर्किटेक्चर में बात करें तो भैया इन्होंने डॉकयार्ड बनाया था, ठीक है,
और टाउन प्लानिंग में बात करें तो ग्रिड सिस्टम लेकर आए थे, तो सभी चीजों में इंपॉर्टेंट थे ना, सभी चीजों में इनको महारत हासिल थी। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, सभी इसके आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन जल्दी से, द फेमस फिगर ऑफ अ डांसिंग गर्ल फाउंड इन द एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदाड़ो वॉज मेड अप ऑफ, ठीक है, मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मिली एक कांसे की बनी नृतिका की या लड़की की मूर्ति, ठीक है, वो जो है किसकी बनी हुई थी, ठीक है, तो जल्दी मुझे इसका आंसर बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा, कि वो जो डांसिंग गर्ल थी, वो जो मूर्ति थी, वो किस चीज़ की बनी थी, क्या वो टेराकोटा, एक मिट्टी होती है, एक टाइप की मिट्टी होती है, क्या वो स्टेटिट की बनी थी, या फिर एक ये भी एक तरह की मिट्टी होती है, क्या वो चूने की बनी थी, या वो कांस्य की बनी थी, तो जल्दी इसका आंसर बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। कृतिक चौधरी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, यही तो कहना चाहते हो ना, बिल्कुल सही आंसर बच्चों, बहुत बढ़िया। प्रीति तोमर का आंसर आया है सबसे पहले, और इसका सही आंसर क्या है, सी ऑप्शन, ठीक है, सॉरी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, यानी कांस्य की बनी हुई नृत्यका की मूर्ति थी, और आज के समय ये कहाँ पर है, ये दिल्ली में आपको नेशनल म्यूजियम में आपको मिल जाएगी। और पाकिस्तान, एक क्वेश्चन और बनता है बच्चों यहाँ पर, देखो पाकिस्तान जो है वो इस यहाँ पर भी अपनी टांग अड़ाता है, क्या कहता है, कहता है कि ये कांस्य की जो नृत्यका की मूर्ति है ये असल में भारत के पास है, तो वो ये कहता है कि ये हड़प्पा, ये मोहनजोदाड़ो में मिली थी, और मोहनजोदाड़ो कहाँ पर पाया जाता है, पाकिस्तान में, तो उसका कहना ये है कि हमें ये उसको वापस कर देनी चाहिए, ठीक है, तो ऐसा शायद ना ही हो कभी, तो ये नृत्यका की मूर्ति है, ये किसकी बनी है, कांस्य की बनी है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जल्दी से आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैव गिवन द अर्लीएस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भाई भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के शुरुआती सबूत सबसे पहली बार किसने दिए थे, तो जल्दी इसका आंसर मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले जो है कृषि के सबूत कहाँ से मिले। यहाँ पर आपको तीन चीज़ें और बताता हूँ, एक होता है देखो पैलियोलिथिक एरा, ठीक है, एक क्या होता है पैलियोलिथिक एरा होता है, एक होता है मैसोलिथिक, ठीक है, एक होता है मैसोलिथिक एरा, और एक होता है नियोलिथिक, ठीक है, जो पैलियोलिथिक होता है इसको हिंदी में कहते हैं पूर्व पाषाण युग, मैसोलिथिक को हिंदी में कहते हैं मध्य पाषाण, और नियोलिथिक को हिंदी में कहते हैं नव पाषाण। पैलियोलिथिक के समय में केवल पत्थरों का निर्माण आता था, पत्थरों से हथियार बनाने आते थे, ठीक है, उसके अलावा आग का पता था। मैसोलिथिक में थोड़ा सा आगे बढ़े, और नियोलिथिक एरा या नव पाषाण वो युग था जहां पर लोगों को कृषि उत्पादन समझ में आया था कि कृषि क्या होता है। और याद रखिएगा कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के आने से पहले, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के आने से पहले जो सभ्यता हुआ करती थी वो कौन सी हुआ करती थी, मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ की सभ्यता, ये भी पाकिस्तान में मुख्य रूप से पाई जाती थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ पटेल ब्रदर, बिल्कुल आपका आंसर लिया है, आपका नाम लिया है, सॉरी, बिल्कुल सही, चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर यहाँ पर सही है। थोड़ा सा मैं बताने में बिजी हो जाता हूँ तो कई बार नाम लेना भूल जाता हूँ, सॉरी भाई, ठीक है, चलो बुरा मत माना करो, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जल्दी से। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स वाज डिस्कवर्ड बाय राखल दास बैनर्जी, 1922 में राखल दास बैनर्जी ने कौन सी सभ्यता की खोज करी थी, ठीक है, तो जल्दी इसका आंसर बताइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या मोहनजोदाड़ो, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए जितने बच्चे मेरे साथ इस समय बने हुए हैं, ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। दयाराम साहनी ने तो खोज करी थी किसकी, हड़प्पा की खोज करी थी, ठीक है, पाई गई थी रावी नदी के किनारे। और बात आ जाती है जब राखल दास बैनर्जी, तो आप सभी का आंसर यहां पर बिल्कुल सही आ रहा है, और सबसे पहले सोबिन ने आंसर दिया है, सोबिन का आंसर सबसे पहले आया है मोहनजोदाड़ो, ठीक है, मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी सबसे पहले राखल दास बैनर्जी, ठीक है, राखल दास बैनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी, कब की थी, 1922 में, कौन सी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। और इसकी हड़प्पा की खोज कहां पर हुई थी, हड़प्पा की खोज हुई थी कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। कालीबंगा की कौन सी नदी के किनारे हुई थी, भाई घग्गर नदी के किनारे हुई थी, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा। और लोथल की खोज हुई थी भोगवा, ठीक है, लोथल की खोज हुई थी भोगवा नदी के
किनारे, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। जल्दी से आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली पीपल वॉज, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि को क्या कहा करते थे। ऑप्शन है, क्या उसे देसी लिपि कहा करते थे, क्या उसे चित्रमय स्क्रिप्ट या चित्रमय लिपि कहा करते थे, क्या उसे ब्रह्मी लिपि कहा करते थे, या उसे खरोस्ती लिपि कहा करते थे। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल अमन सिंह, बहुत बढ़िया आंसर आपका। चलिए, हाँ बिल्कुल सही। भावेश कुमार यादव, देखो मेरी क्लास जो होती है वो, देखो इतने बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, मेरी क्लास मंडे से वेडनसडे 3 दिन मेरी क्लास होती है यूट्यूब पर, और शाम को 4 से 5, ठीक है, शाम को 4 से 5 मेरी क्लास होती है। तो मेरे साथ जरूर जुड़िए, हम कंसेप्ट और MCQ पर क्लास लेकर चलते हैं, ठीक है। और हाँ बिल्कुल, सेशन को शेयर करते रहिए सभी बच्चे। और इसका सही आंसर आप सब दे रहे हो, इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही। जया मिश्रा, एकता झा और मंदीप कुमार, बिल्कुल सही, आप सबने सबसे शुरुआत में आंसर दिया। उसका सही आंसर क्या है, पिक्टोग्राफी, या जिसको हम बॉस्ट्रोफिडॉन भी कहते थे। क्या कहते थे, बॉस्ट्रोफिडॉन भी कहते थे। इसमें क्या होता था कि बाएं से दाएं और एक बार दाएं से बाएं, और इसमें क्या होते थे, चित्र बने होते थे। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता था, चित्रमय लिपि कहा जाता था। बाकियों के बारे में बात करें तो पहले इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन है। बाकी जो ब्रह्मी और खरोस्ती है, ये दोनों लिपि जो है, इन दोनों लिपियों का इस्तेमाल कहां पर हुआ है, इन दोनों लिपियों का इस्तेमाल हुआ है अशोक के शिलालेखों में, ठीक है। अशोक के एडिक्ट्स के बारे में आपको पता होगा, अशोक के जो शिलालेख हैं, जो पत्थरों पर शिलालेख पाए गए हैं, तो उसमें 4 भाषाएं आ जाती है, ब्रह्मी, खरोस्ती, आरामिक और ग्रीक। तो ब्रह्मी भाषा उसमें सबसे ऊपर होती है, और वो कही जाती है किस पे, अशोक के शिलालेखों में पाई जाती है, ठीक है। चलिए जी, 9 AM की जो क्लास थी वो शिफ्ट हो गई है जया मिश्रा, अब 4 बजे मैं आपको मिलूंगा मंडे से वेडनेसडे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, सेशन को सभी बच्चे शेयर करेंगे, अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, एट विच इंडस वैली साइट द बियर्डेड मैन इन द स्टेटाइट इमेज हैज बीन फाउंड, ठीक है। पूछ रहा है कि एक दाढ़ी वाले इंसान की, जो स्टेटाइट मिट्टी का बना एक पुतला था, वो कहां से हमें प्राप्त हुआ है। तो मैंने आपको ये बताया था, ठीक है, सॉरी यहां पर ये भालू आदमी लिखा है, भालू नहीं होगा, ठीक है, भालू का मतलब तो हो जाता है रीच हो जाता है, दाढ़ी वाला आदमी, ठीक है, दाढ़ी वाले आदमी का पुतला कहां पर मिला था। तो ये मुझे जल्दी से आप इसका आंसर बता दीजिए। बहुत बढ़िया, मंदीप कुमार ने एक बात बताई है यहां पर, जेम्स प्रिंसेप के बारे में, बहुत बढ़िया आंसर की। जेम्स प्रिंसेप वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1837 में पहली बार ब्रह्मी भाषा को पढ़ा था, या अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, ठीक है। ओके निखिल त्रिपाठी, देखो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, वो कमेंट्स एकदम से चले जाते हैं तो कई बार पढ़ने में नहीं आते बच्चे। चलो चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी थैंक यू विवेक यादव फॉर दैट कमेंट। विवेक यादव का कहना है दिस क्लास प्रोवाइड अस वेरी स्मार्ट लर्निंग। चलिए हाँ ओके, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, बिल्कुल मोहन जोदाड़ो। तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि किसने सबसे पहले आंसर दिया, वरना फिर आप बुरा मान जाओगे। तो सबसे पहले आंसर दिया है सोबिन और निखिल त्रिपाठी। निखिल त्रिपाठी ने भी इसका आंसर दिया है डायमंड SSC@247। अच्छा, तुमने हमारे चैनल के नाम पर ही नाम रख लिया, चलो बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर क्या है भाई, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, बहुत बढ़िया सभी बच्चों, इसका सही आंसर क्या है, मोहन जोदाड़ो, ठीक है। ये भालू जो है असल में, ये जब कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर ये आ गया, कोई बात नहीं हो जाता है कई बार। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ डायटी ऑफ द हड़प्पन्स, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा में किसकी पूजा नहीं होती थी। सिंपल भाषा में बताऊं तो निम्नलिखित में से हड़प्पा के सभ्यता के समय में निम्नलिखित में से किसकी पूजा नहीं होती थी। तो देखो शिवजी के बारे में बात करें तो जो पशुपति महादेव हैं, ठीक है, जो पशुपति महादेव हैं, असल में ऐसा कहा जाता है वो उन्हीं का एक रूप था, ठीक है, उन्हीं को डिफाइन वहां पर किया गया है, तो शिवजी नहीं है। मदर गॉडेस की पूजा करते थे, माँ देवी मदर गॉडेस, ये किसको कहते थे, ये हमारी प्रकृति को कहते थे, क्योंकि सारी चीजें प्रकृति से मिलती थी। पीपल की पूजा करते थे, क्योंकि आपको पता है पीपल से ऑक्सीजन मिलती है रात के टाइम, तो इन सबकी पूजा करते थे, लेकिन विष्णु जी के बारे में नहीं पता था। तो भैया इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि विष्णु, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ओके सोबिन का आंसर आया है यहाँ पर सबसे पहले,
मुकुल सरकार, देखो मुकुल सरकार, आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए क्लास का तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा देना, ठीक है। बेल आइकन को दबा दोगे तो क्या होगा, आपके पास हर क्लास का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मेरी क्लास आप ध्यान रखना मंडे से वेडनेसडे शाम को 4 से 5, ठीक है। चलो यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो विष्णु, इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए सभी बच्चे, ठीक है। मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे और जल्दी से शेयर भी करेंगे सेशन को, जल्दी जितने बच्चे हैं सभी के सभी सेशन को शेयर करो, ठीक है। और क्वेश्चन का आंसर, तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट मेटल वर नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु के बारे में ज्ञान था। तो आपके सामने ऑप्शन है कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड बट नॉट आयरन, कॉपर सिल्वर आयरन बट नॉट ब्रॉन्ज। सी ऑप्शन है कॉपर गोल्ड आयरन बट नॉट सिल्वर, और चौथा है कॉपर सिल्वर आयरन बट नॉट गोल्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो, अगर आपको कंफ्यूजन भी हो रहा है तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे के बारे में ज्ञान नहीं था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या नहीं पता था, लोहे के बारे में ज्ञान इनको नहीं था। तो आपको सिंपल ऑप्शन देख लेना है और एलिमिनेट कर देना है। देखो यहाँ पर जो है हर ऑप्शन में बी सी डी ऑप्शन में हर एक में आपको आयरन 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 बता रहा है, तो यानी कि ये तीनों ऑप्शन खत्म, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन्हें लोहे के बारे में ज्ञान नहीं था, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल सही, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और एक्चुअली प्रतीक्षा रावत, वेडनसडे से थोड़ा ये शेड्यूल है, वेडनसडे से सैटरडे, देखो आप जो पढ़ रहे हो, देखो पहले आप समझो, आप जो पढ़ रहे हो सभी बच्चे, आप पढ़ रहे हो उड़ान CHSL की तैयारी, ठीक है, हमारे इस बैच का टाइमिंग है ये। और जब आप इसको पढ़ रहे हो तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, आपको 3 दिन आपको पढ़नी है जनरल स्टडीज़, ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी और थोड़ा करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, और 3 दिन आपको पढ़नी है साइंस। तो 3 दिन आपकी साइंस की क्लास होगी जिसमें ज्ञान सर आपके साथ होंगे, ठीक है, तो उसमें आप जो है अमित सर आपके साथ, तो वहाँ पर आपको जो है साइंस की क्लास वहाँ पर आपको मिलेगी। तो उस तरह से हमने अपना शेड्यूल बनाया बच्चों, ताकि आपके सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से कवर हों, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ के क्वेश्चन आज के ख़त्म होते हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छा आप सबका रेस्पॉन्स लगा आज की क्लास का, सभी बच्चे इस सेशन को अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे, ठीक है, और लाइक करेंगे वीडियो को। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जाने से पहले आपको बता देता हूँ, SSC CGL का महापैक आया है, ठीक है, इसमें आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं, मेरे पेड बैचेस में आप आना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप आ सकते हैं, वहाँ पर आप मेरे से आकर पढ़ सकते हैं, मेरे बैचेस चलते रहते हैं। और उसमें आकर जो है आपको पहली बात, आपको ये महापैक अगर आप लेंगे तो आपको पूरे साल की जितने लाइव क्लासेस होंगी उन सबका सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। और इसके तहत आपको डिस्काउंट पाना है अगर, तो डिस्काउंट के लिए आप क्या कोड अप्लाई करेंगे, Y203, ठीक है, Y203 कोड को अप्लाई करेंगे। और जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो जो भी प्राइस वहां पर होगा महापैक का, उस पर आपको, अगर आप स्टोर पर जाते हैं तो 30% और आप एप्लीकेशन पर जाते हैं तो एक्स्ट्रा 5% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कोड ध्यान रखिएगा Y203, इससे ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। चलिए तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SSC Adda 24/7 को, ठीक है। चलिए सभी बच्चे जो हैं सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, और मैं मिलता हूँ कल, ठीक है, कल की क्लास होगी और कल आई होप सब उपस्थित होंगे। और कल मैं सेशन लेकर आऊँगा वैदिक सभ्यता, ठीक है, वैदिक सभ्यता पर हम बात करेंगे, उनसे संबंधित चीज़ें देखेंगे कि वहाँ से कैसे प्रश्न आपके आते हैं, ठीक है ना। चलिए तो बिल्कुल मैं आपसे मिलता हूँ अगली क्लास में जल्दी ही, कल मिलते हैं शाम को 4 बजे, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। और कल शाम को 4 बजे हम जब मिलेंगे तो हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। चलिए ठीक है गाइस, तो सभी का जो है शुक्रिया क्लास में आने के लिए, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग इन द सेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस एंड बाय गाइस।